हम पहुंच चुके हैं एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो गाइस ये है श्रीराम सेंटर, इसमें मैं एक दिन पहले देखने आया था ऑपरेशन 3 स्टार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन अग्निहोत्री ब्लॉग्स। तो गाइस अभी हम हैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर, जहां हम जा रहे हैं श्रीराम सेंटर में। एक प्ले है, ये आदमी ये चूहे प्ले है जो हमको देखना है, और पूरा ग्रुप है, और ये हमारे शाहरुख भाई हैं, पीछे आर्यन भाई हैं। तो अभी हम एग्जिट लेते हैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से और बाहर मिलते हैं। तो गाइज अभी हम मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद, और अभी हम बैठे हैं गोल चक्कर पर, जहाँ सामने पार्क है और पीछे श्रीराम सेंटर है और इस तरफ NSD है। तो अभी मैं यहाँ का चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ और बातें करते हैं। तो गाइज ये है गोल चक्कर, ये यहाँ का व्यूज है, कितना शानदार है। यहाँ सारे दिन गाड़ियाँ चलती रहती हैं, और अभी हम जा रहे हैं NSD की तरफ। तो गाइज सबसे पहले हम जाएंगे NSD, फिर उसके बाद जाएंगे पार्क में बैठेंगे थोड़ी देर टाइम मिला तो, और उसके बाद हम जाएंगे श्रीराम सेंटर और वहाँ हम अपनी टिकट लेंगे। टिकट तो ले रखी है लेकिन ऑनलाइन है, उसकी रसीद लेनी है। और उसके बाद ये आदमी ये चूहे प्ले देखेंगे, जिसकी छोटी छोटी क्लिप्स आप सभी को इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। जैसे पिछले ब्लॉग में आप सभी ने प्ले की छोटी छोटी क्लिप्स देखी हैं, तो वही आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं NSD। तो गाइस हम फिर एक बार आ रहे हैं NSD में। अभी हमारा जो पीछे की जो दीवार है, ये NSD की दीवार है, और ये दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन और ये वो दीवार है, और वो हम दीवार हैं। वो दीवार, तो अभी ये वो दीवार है जिसपे लोग मूत के गए थे और वहाँ हम ही मूत थे। तो अभी हम NSD के पास पहुँचने वाले हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये पूरे भारत में एक ही है, यहाँ पे मेन वाली हेड ब्रांच ही है, बाकी इधर उधर जाएंगे उनको मिल जाएंगे। छोटी मोटी दुकानें हैं उधर उधर तो, है ना, इधर उधर छोटी मोटी दुकानें हैं, लेकिन मेन अपना ये है। बस आने वाले हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये NSD का गेट है, मेन गेट, और यहाँ पे मैं कई बार आया हूँ जैसा कि आप सभी को बताया। तो यहाँ पे अभी हम फोटो खींचते हैं और उसके बाद हम पार्क में मस्ती करेंगे और फिर जाएंगे श्रीराम सेंटर। तो अभी सबसे पहले फ़ोटो खींचते हैं। तो गाइज अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फ़ोटो खींचे जा रहे हैं, मेरे दोस्त फ़ोटो खींच रहे हैं, और मैं अभी NSD के गेट पर हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है, मैं NSD जब भी मैं श्रीराम सेंटर आता हूँ या मंडी हाउस आता हूँ, तो आपके लिए NSD का ब्लॉग ज़रूर बनाता हूँ। तो अभी हम यहाँ से सीधे जाएंगे पार्क में, पार्क में मस्ती करेंगे, उसके बाद जाएंगे श्रीराम सेंटर, जहाँ हम अपनी स्लिप लेंगे टिकट, और उसके बाद प्ले की छोटी छोटी क्लिप आप सभी को देखने को मिले। तो गाइज अभी मैं NSD से आया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ पार्क में, यानी कि आ चुका हूँ पार्क में। ये यहाँ देख ही रहे हैं आपको आप सभी। तो गाइज अभी हम पार्क में आ चुके हैं और पार्क में तूने जवानी में सीखा हम वो गाना गा रहे हैं। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि हमारे दो लफंगे लुच्चे बदमाश दोस्त बैठे हैं, तो मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। ये बैठे सारे, ये रहे। कहाँ बोले? तो गाइज अभी हम हैं पार्क में, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे श्रीराम सेंटर। तो गाइज पार्क में मस्ती करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ श्रीराम सेंटर, और अभी हम श्रीराम सेंटर पर मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो प्ले है, अच्छा प्ले है, देख रहा है, और भी बातें हैं करेंगे आगे, लेकिन मैं अभी जस्ट श्रीराम सेंटर के पास पहुँचने वाला हूँ। आप सभी देख ही रहेंगे श्रीराम सेंटर पर आते हैं तो कितनी सारी गाड़ियाँ हमको देखने को मिलती हैं। तो गाइज मैं फाइनली पहुंच चुका हूं श्रीराम सेंटर, आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। ये है श्रीराम सेंटर की बिल्डिंग, और इसी में प्ले देखना है और आप सभी को प्ले दिखाना है। तो एक बार मैं बैक कैमरे से आप सभी को दिखा देता हूं और उसके बाद हम ले जाएंगे टिकट। तो गाइज ये है श्रीराम सेंटर, इसमें मैं एक दिन प्ले देखने आया था ऑपरेशन 3 स्टार, और आज प्ले देखने आया हूँ ये आदमी ये चूहे। और ये यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये यहाँ का चारों तरफ का व्यूज है।
तो गाइस चलते हैं, सबसे पहले टिकट लेते हैं अंदर से, टिकट दिखाकर, और उसके बाद फिर पहले देखते हैं कितनी देर में एंट्री है हमारी। तो गाइस जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये आदमी, ये चूहे की टिकट मैंने ले रखी है, और आपको डेट भी पता चल रहा होगा, टाइमिंग भी पता चल रहा होगा। तो ये श्रीराम सेंटर का ऑडिटोरियम रूम है जो कि काफ़ी बड़ा है, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। और अभी मैं ऊपर बालकनी में बैठा हूँ 100 रुपये वाली सीट में, लेकिन मैं नीचे जाऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। तो काफ़ी बड़ा है ऑडिटोरियम और बहुत अच्छा है, और इसी में कई सारे शो हम डेली देखते हैं, जैसा कि आप सभी अब देखने वाले हैं। जब इसे काम करने का जोश आता है तो ये जोर से हंसने लगता है। पर काम बहुत अच्छा करता है साहब, बस दिमाग से थोड़ा तेज नहीं है, लेकिन ये 3-4 मिनट का कट्टर भी उठा सकता है। Thank you.
ठीक है, अब शाम से जाना और कैलाश को हॉस्पिटल ले जाना है। तो गाइस अभी हमने ये आदमी ये चूहे शो देखने के बाद श्रीराम सेंटर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और ये हमारे मित्र हैं, तो कुछ फीडबैक वगैरह तो देखो गाइस, जहाँ से हमारे भाई ट्रेनिंग ले रहे हैं अस्मिता थिएटर से, मैं भी सेम वहीं से कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने थोड़े ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा बिजी रहता हूँ। अब मैं भाई के बोलने पर पहली बार देखने आया हूँ कि भाई आप कर रहे हो तो आपको जल्दी और ज़्यादा सीखना है तो आप देखने आओ, तो पहली बार मैं प्ले देखने आया हूँ। फक इट, तो काफ़ी अच्छा प्ले है और ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्ले की छोटी छोटी क्लिप्स आप सभी को देखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।